हे एवरीबॉडी, आज मैं आपको एक ऐसे टूल से मुतारफ करवाने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काम करेगा। ये आपको डॉलर्स कमा के देगा। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इसका इस्तेमाल जान सकें, इसमें किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है ये सारा कुछ जान सकें और आप इसकी थ्योरी भी समझ सकें। सो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज ज़िया गीक पर देख रहे हैं देन आपने सिंपली फॉलो कर लेना है ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। आपने कहीं नहीं जाना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। लेट्स बी बैक। सो गाइस, इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिखा हुआ देख रहे हैं जो कि चैट जीपीटी के मुतल्लिक है। अब ये जो चैट जीपीटी है ये क्या है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसको इसलिए बनाया गया है कि ये आपकी कमांड को समझेगा या आप इसको जो बोलेंगे ये उसको अंडरस्टैंड करेगा। पूरी दुनिया से या पूरी दुनिया के ब्लॉग से या कहीं से ये डाटा गेट करेगा, उसको ये एडवांस लर्निंग के जरिए या एडवांस मशीन लर्निंग के जरिए मैनिपुलेट करके आपके लिए प्रेजेंट इस तरह से करेगा कि वो डाटा जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप उसको ब्लॉग्स लिख सकते हैं, उसके अलावा उसे यूट्यूब वीडियोज़ बना सकते हैं, इसके अलावा उसे आप कई अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। मैं आपको 4-5 आइडियाज़ भी दूंगा, आपके सामने डेमोस्ट्रेट भी करूंगा ताकि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता, ये टूल आपके लिए है। चलिए हम सीखते हैं कि इसको हमने शुरू किस तरह से करना है। सो गाइस, आपने करना क्या है कि आपने जाना है openai.com पर। openai.com आपको नीचे लिंक भी इसका मैं दे दूंगा। आपने सिंपली जाना है, थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसकी प्राइसिंग क्या है। अभी तक ये बिल्कुल फ्री है, ये आपसे पैसे नहीं लेने लगे, आपको कोडिंग भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको बोलना और इसने आपका काम कर देना है। आपने नीचे जाना है इसके फुटर में, ये जो नीचे वेबसाइट का एरिया होता है ना, इसको हम कहते होते हैं फुटर। और आपने यहाँ पे क्लिक करना है चैट जीपीटी में। इसके अंदर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको यूज़ करना भी सिखाता हूँ। अब आपने जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी में। ये आपका ब्राउज़र चेक करेंगे, जब ये आपका ब्राउज़र चेक करेंगे तो फिर आपको ये बोलेंगे कि भाई अब आप अकाउंट बना। तो मैं आपका सामने फ्रेश अकाउंट बनाता हूँ। तो आपने करना क्या है, साइनअप करना है। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे देन ये आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा। मैंने इसको अपना ईमेल एड्रेस दे देना यहाँ पर। सो मैंने इसको अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। अब इसको हमने कहना कि मैं रिबोट नहीं हूँ, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन करवानी होती है। यहाँ से हम ये फिल करते हैं, इसको वेरीफाई करवा देते हैं हम। अब हमने कर देना कंटिन्यू। अब हमको ये कह रहे हैं कि पासवर्ड दें, तो हम यहाँ पर इनको एक पासवर्ड भी दे देते हैं। पासवर्ड के बाद हमने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद अब आपका अकाउंट बन जाएगा। सो गाइस, अब ये कह रहे हैं कि हमने आपको एक ईमेल सेंड की है, आप काइंडली वेरीफाई करें कि आप वही बंदे हैं जो यहाँ पे साइन अप करना चाह रहे हैं। तो हम आप जाएंगे अपनी ईमेल के अंदर और इसको वेरीफाई करें। तो यहाँ पे गाइस मुझे एक ईमेल मसूल हो चुकी है, मैंने इसको करना वेरीफाई ईमेल एड्रेस। जब मैं ये काम करता हूँ देन मेरी ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाऊँगा या इसको मैं यूज़ कर पाऊँगा। ओके, वो कहते हैं कि जी आपकी ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है, अब हम इसमें लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के लिए सिंपली लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो ईमेल थी वो ईमेल देनी है, उसके बाद आपने करना है आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद यहाँ से स्टेट्स, जो मेरे से स्टेट्स पूछ रहा है आपसे कुछ और पूछेगा, वो आपने वेरीफाई करना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने देना है पासवर्ड और यहाँ से आपने करना है कंटिन्यू। तो ये आपको अपने डैशबोर्ड में ले जाएगा। जब ये आपको अपने डैशबोर्ड में ले जाएगा, उसके बाद क्या करना है मैं आपको सारा बताता हूँ। यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम देना है, तो हम फर्स्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम दे देते हैं, कंटिन्यू कर देना है। फ़ोन नंबर मांग रहा है तो फ़ोन नंबर भी देना पड़ेगा, तो यहाँ से पाकिस्तान करते हैं। ये गलत चूज़ हो गया, पाकिस्तान करना है हमने। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इनको कह दिया कि हमें व्हाट्सएप कर दें, तो ये हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। मैं चेक करता हूँ व्हाट्सएप। सो गाइस, यहाँ पे मेरा कोड आ चुका है, मैंने इनको अपना कोड दे दिया। जब मैंने इनको कोड दिया तो ये मेरा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इसको क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि जी मैंने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है। इसके बाद देखें हमारे पास सारा कुछ आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ पे आप इनकी सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट चला जाना है प्लेग्राउंड में, या हम प्लेग्राउंड पे जा सकते हैं। या हम पहले ओवरव्यू लेते हैं इसका, इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सीन क्या है। देखें टेक्स्ट कम्पलीशन कह रहा है, कोड भी आपके लिए ये बना के देगा। इसके अलावा ये आपको इमेज प्रोसेसिंग करके देगा, इमेज जनरेशन करके देगा। पहले हम चलते हैं टेक्स्ट कम्पलीशन के ऊपर और यहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन है। तो आप यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत लंबी है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जाएंगे चैट जीपीटी में। हम यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, चैट जीपीटी का डैशबोर्ड लिखा, ये ओपन आई के अंदर जाके चैट जीपीटी ओपन हो गया। इसके अंदर ट्राई दोबारा कर देना हमने, साइन अप हमारा पहले हुआ हुआ है तो लॉगिन कर लेंगे हम। ऑलराइट गाइस,
अब हमने लॉगिन कर लिया है, अब हमारे पास चैट जीपीटी का असल इंटरफेस सामने आ गया है। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको एक दफ़ा एंड कर देंगे। अब देखें ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है, ये हमारे लिए क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है। इसके अलावा देखें ये हमारे लिए कन्वर्जेशंस बना सकता है। लिमिटेशंस वगैरह इसके देख लें कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो इसके अंदर नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा ना कि इसने दुनिया से नॉलेज इकट्ठा करना है, उसको ग्रैब करना है, मैनिपुलेट करना है और आपको प्रेजेंट करना है। तो देख लें ये भी कह रहा है कि चूंकि हम अभी बीटा मराइल में हैं, बीटा मराइल क्या होते हैं कि टेस्टिंग फेज़ में है, तो अभी तक हो सकता है कि हमारे पास लिमिटेड डाटा हो। तो आप यहाँ पर देख लें, अब हम इसको यहाँ पर आइडियाज़ देखते हैं किस तरह से आपने इसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करना है। कंटेंट क्रिएशन से आपको पता है पैसे मिलते हैं, जो कि मैंने पहले कहा कि ये आपको डॉलर्स कमा के देगा, तो डेफिनेटली कमा के देगा क्योंकि ये आपके लिए काम करेगा। अब मैं इसको ज़रा एक काम कहता हूँ कि मेक अ डाइट प्लान फॉर मी। अब देखते हैं ये मेरे लिए क्या कर सकता है। अब इसने मुझे एक डाइट प्लान देना है, तो ये देखें ये कह रहा है कि ये किस्म का डाइट प्लान मैं बना के दूँगा। अब चेक करते हैं, चेक करें, मुझे ये कह रहा है कि अगर आपने वज़न गेन करना है देन क्या करना पड़ेगा, वज़न अगर आपने कम करना है फिर क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ये बता रहा है कि एज जेंडर वगैरह के हिसाब से क्या। चूँकि मेरा इंटरेस्ट खुद वेट कम करने में होता है, मैं हमेशा वेट से लड़ता ही रहता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टेड हैं, मैं इसको पढ़ूँगा, मेरे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर मैं इसे कहता हूँ कि गिव मी एन आइडिया टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, किसी दिन आइडियाज़ नहीं होते, बंदा है ना, कंटेंट क्रिएट करना होता है, कभी कभार आइडिया से हम भी आउट हो जाते हैं, क्या करेंगे, इसको बताएंगे, कुछ ना कुछ तो बता देगा ना मुझे। अब मैंने इसे कहा कि मेरे लिए एक बनाओ ऐसा आर्टिकल जो कि मुझे हेल्प करे कि मैंने यूट्यूब की वीडियो बनानी है। अब देखें मेरे लिए ये क्या करता है, ये मेरे लिए अब सर्चिंग कर रहा है, जब इसके सर्च पूरी हो जाएगी देन ये मेरे लिए कुछ ना कुछ जनरेट करके देगा जो कि मुझे फ़ायदा देगा। अब इसको ज़रा कहते हैं चलो जी आप मुझे YouTube का आइडिया दो। कह रहा है कि ठीक है भाई, आपने कह दिया, हमने आपकी बात मान ली। ये वो अच्छा बच्चा है, ये वो बच्चा नहीं है कि जो वीडियोस चुराता है। देखें कह रहा है कि आप व्लॉग बना सकते हैं, कह रहा है आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं, फिर ये कह रहा है कि आप प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर सकते हैं, उसके अलावा कह रहा है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज कर सकते हैं। देखें सारा कुछ कर रहा है, यही मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी अकल यूज़ करें भाई। आप क्यों किसी का कंटेंट चोरी करते हैं, आप क्यों अपना काम नहीं करते, अपना काम करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपना नाम का ब्रांड बनाएं मेरे भाई, अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। देखें कितने आइडियाज़ इसने दे दिए। इसके अलावा मैं इसको कहता हूँ मेक अ स्टडी प्लान फॉर मी सो आई कैन गेट 99% मार्क्स। अब देखिए मुझे ये स्टडी प्लान भी बना के देगा, कहता है जी इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो भाई ये काम करो, सबसे पहले अपना गोल बनाओ, गोल बनाने के बाद शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाने के बाद देखें सारा कुछ बता रहा है, इस जगह पे जाओ, उस जगह पे जाओ। आप इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी करें और इसका आर्टिकल लिख दें, वही आर्टिकल जो है वो आप छाप दें अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से ट्रैफिक आएगी, वहाँ ट्रैफिक आएगी तो आपको पैसे मिलेंगे। देखें एक आसान सा टूल आपके लिए कितने काम कर रहा है। सो गाइस मैंने आपको ये आइडियाज़ दे दिए, इसके अलावा भी कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि आप इससे करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कह सकते हैं कि हाउ टू गो टू जिम, तो आपको ये भी बताएगा कि आपने जिम कैसे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब जिम जाते हैं तो हमने किट पहननी होती है, उसके अलावा हमारे शूज़ वगैरह का होता है, इसके अलावा हमने साथ में बोतल लेके जानी होती है पानी की, तो ये सारा कुछ आपको बताएगा। फिर आपको ये भी बता रहा है कि आपने मेंबरशिप कैसे लेनी है, देखें सारा कुछ कर रहा है। उसके अलावा आपको ये बता रहा है कि आपने गोल किस तरह से सेट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब जिम में जाते हैं, जो लड़के जिम करते हैं या जो लड़कियाँ जिम करती हैं वो मुझे अगर देख रही हैं तो उनको पता होगा कि हम जब जिम में जाते हैं सबसे पहले हमने करना होता है वार्म अप। करने के बाद हम प्लैंक्स वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ जो हम वहां पे करते होते हैं। तो आप यहां पे देख लें कि ये सारा कुछ बता रहा है। अब ये देखें स्टार्ट स्लोली, जब जाएं ऐसा ऐसा से अपना आगाज करें, फिर वर्कआउट करें, उसके बाद किसी से गाइडेंस पूछें, हमारे मेंटोर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये वाला प्लैंक कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, बेली फैट के लिए ये कर लो। सो गाइस अभी सारा कुछ ये खुद बता रहा है। अब कहने का मतलब क्या था, आपको टूल बताने का मकसद क्या था कि आप पैसे कमाएं, कंटेंट क्रिएट करें, यूट्यूब की वीडियोस बनाएं, जो मर्ज़ी करना है करें। अब यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्री में वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं। जब वो आप फ्री में वॉइस ओवर करवाएंगे, साथ में कुछ ग्राफिक ऐड करें, आपकी एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी, यूट्यूब पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं और पैसे कमाएं। सो गाइज ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी मैं एक जुमले में अगर कहूँ तो आपकी बातों को समझेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगा, दुनिया से नॉलेज इकट्ठा करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, आपको प्रेजेंट करेगा, उससे आपके डॉलर्स बनेंगे। डॉलर्स किस तरह से बनाने हैं, हज़ारों तरीके बताए हुए हैं, मेहनत करें, हक लाल का खाएं। मैं बार बार ये कहने पे आप मजबूर हो चुका हूँ, पहले मैंने कभी इस बात पे एम्फिसाइज़ नहीं किया, लेकिन इस फील्ड के अंदर आके मुझे ये बात मजबूरन कहनी पड़ रही है कि हक हलाल का खाएं,
मेहनत करें, हक हलाल के अंदर बरकत है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। अगर YouTube चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा अगर मुझे आप फेसबुक पेज ज़िया गीक पर सुन रहे हैं देन आपने सिंपली फॉलो कर लेना है ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।